मुख्यमंत्री कोरोना काल दौरान अगे होके काम करने वाले मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करां दे वल्लों अपनियां मंगां नूं लैके सिविल हस्पताल गुरदासपुर विखे कोविड वैक्सीन सेंटर दे सामने सैकड़ियां दी तादाद दे विच इकट्ठे होके पंजाब सरकार दे विरोध दे विच रोस धरना दिता गया अते इस मौके मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करां दा कहना है कि उन्हां कोरोना काल दे दौरान अगे होके सरकार दे लई काम कीता है, कोरोना मरीजां दी देखभाल कीती है, पर पंजाब सरकार दे वल्लों उन्हां दे हक भी नहीं दिते जा रहे। नाल ही चेतावनी दिंदे होए कहा कि उन्हां दे वापस ले गए पत्ते लागू किते जान, नहीं तां सरकार दे खिलाफ ओह प्रदर्शन तेज करनगे। साडियां मंगा कोई नवीआं मंगा नहीं हैगीआं, असीं ओह जोधे आ कोरोना जोधे जिन्हां ने कोरोना काल च 2 साल तों लैके लगातार बिना छुट्टी बिना संडे बिना गस्टड होलीडे ते अपनियां जानां दी ना परवाह करदिआं होइआं लगातार असीं हैल्थ डिपार्टमेंट नूं काम करके दिता ते इस दुनिया दे वास्ते जिहड़ी जिहड़ियां असीं सेवावां ने उह पूर्ण तौर ते अपनियां बहाल रखियां ने। अज असीं कोई नवीं मंग नहीं मंग रहे, सानू सरकार ने जांदे होए जिहड़ा मैडल देना सी ना वी कोरोना योद्धियां दा कोई इनाम देना सी उहदे बदले सानू उल्टा ये साडे जिहड़े बणदे भत्ते सी जिवें साडा यूनिफॉर्म अलाउंस सी, डाइट अलाउंस सी, हैंडीकैप्ड अलाउंस सी, FTA अलाउंस, तुसीं समझदे FTA किहनूं कहिंदे आ जिहड़ा आपां फील्ड दे विच जा के ते पूर्ण तौर ते सारा डाटा लोकां दा कलैक्ट करदे आ, जिवें कि असीं एंटीनेटल जिन्नियां प्रैगनेंट वूमेन आ उन्हां नूं लिखना, उन्हां दी केयर करनी, उन्हां नूं हॉस्पिटल लैके आउणा, फिर जिहड़े छोटे बच्चे ने 1 दिन दे बच्चे तों लैके ते 16 साल दे बच्चियां तक जो कि असीं अणगिनत बीमारियां जिन्हां दा असीं टीकाकरण करदे हाँ वो काम भी असीं करदे हाँ, डैथ दा रिकॉर्ड भी असीं रखदे हाँ। तो कोरोना दे काल विच जिहड़े लोक जिन्हां दियां ना करे रब किसी दे नाल भी इदां ना करे जदों डैथ हो गया सी तो उन्हां दी डैड बॉडी नूं कोई हाथ नहीं सी लाउंदा, ये साडे जिहड़े वीर वर्कर ने जिहड़े तुसीं देखे आ बैठे होए ये उन्हां दियां डैड बॉडियां दा संस्कार भी करदे सी, कोई फुल तक नहीं सी चुगण जांदा फिर भी साडे वीरां नूं ही फोन आउंदे सी कि फुल भी तुसीं चुगो। तो सरकार तो असी कुछ नवा नहीं मंगया, जे असी कोरोना योधे रहे हाँ तो असी नवा कुछ नहीं मंगया, असी कोई उन्हों को वादू इनक्रीमेंट नहीं मंगी, बल्कि उन्होंने देनी चाहिए सी इनक्रीमेंट कि इन्होंने इन्ना काम किया वा, वादू तो की देना सी साडे जिहड़े कई सालों तो बहुत समय तो सानू ये सारे पत्ते मिलते सीगे ये सरकार ने कट लिया। साडी ये सरकार दे अगे बेनती आ कि असी इन्हां दरियां ते खुशी नाल नहीं बैठे, असी काम खुशी नाल नहीं बंद किया, हुण भी वैक्सीनेशन जिहड़ी आ हो रही आ, पता नहीं ये किन्ना लोकां कोलों करवा रहे आ किहड़े स्टाफ तों, असी हुण भी करन नूं तैयार आ ते सरकार साडे कट्टे होए पत्ते जिहड़े आ उह बहाल कर दे ते असी इन्हां दरियां तों भी उठ जावांगे ते असी अपना काम भी करांगे। थैंक यू। ये साडी भुख हड़ताल जिहड़ी आपां हुण शुरू कीती होई आ बेसिकली 27 दिन तो 28 दिन हो चुके हैं साड़ी स्ट्राइक चलते हुए लगातार कंटिन्यू सरकार नूं जगाने वास्ते, सरकार इन्नी कुंभ करन दी नींद सुती हुई है कि उन्हूं हाले तक होश ही नहीं आ रही, क्योंकि देखो सारा मुलाजम वर्क जो कि हुण तक रोड ते खड़ा है हाईवे जाम ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनम भैणां प्रोटेस्ट कर रही ने जिहड़ियां कच्चे मुलाजम ने, उन्हां दी मंग पिछले 15 साल तों लगूंदियां तनखावां ते काम करदियां कुड़ियां जिन्हां दी तनखाह 10-15 हज़ार रुपया उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हूँ हाल की कड़ी नवजोत सिद्धू साहब ने उन्होंने उत्ते गड्डी चढ़ा के कुड़ी ने जख्मी करके गुरु नानक हॉस्पिटल एडमिट कराया हुआ, उन्हें सार नहीं लैन पहुंचे हले तक। ये देखो उन्होंने पक्कियां ते की करना ही उन्होंने धक्का कर रहे शरेआम, जबकि ये सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार बनाई क्यों जाती है लोगों वास्ते, ये पैसा कितों है साढ़े अपना टैक्स तारे हुआ मुलाजमान का टैक्स पे किया हुआ, तो उही तो मंग कर रहे हैं, मंग की है साढ़े FTA साढ़ा हैंडीकैप अलाउंस साढ़ा रूरल एरिया अलाउंस, ये सारे साढ़े अपने हकी डिमांड है ने, साढ़े अपने हक ने, आपां कोई भीख नहीं मंग रहे, अगली रणनीति साड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि लगातार ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा चाहे सरकार आ जाए चाहे कोई नवी बन जाए, जब तक साड़ी डिमांड साड़ी मंग पूरी नहीं होगी आपां अपने हक लैके मुड़ांगे, ऐदा आपां कभी खाली नहीं वापस होंगे। और आपां फील्ड वर्कर बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि FTA ने ऑलरेडी कट दिता, FTA का मतलब फील्ड टूर अलाउंस, तो जो फील्ड टूर अलाउंस ही कट दिता एक मुलाजम का तो वह फील्ड से काम करना बनता ही नहीं फिरते, इस करके सरकार को चेतावनी देने आपां और खास करके सेहत मंत्री OP सोनी जी जिन्हों का डिपार्टमेंट है उन्हों का कैडर है थले बैठा अच्छे दरिया के उन्हों की बदौलत बैठा है क्योंकि उन्होंने कुर्सी मिली सी करने की कोशिश नहीं की, एक मीटिंग 10 मीटिंग हूँ तक हो चुकी हर मीटिंग आ शगूफे के जगूफ आ
जाली गल्लां करके उठा दिता जांदा है। 23 तो 28, 28 तो 31 कर देंगे, 31 तो 3 कर देंगे, मीटिंग दे मीटिंग। बट इहदा मसला हल नहीं होना जब तक सरकार नैट शैल क्लीयर गल नहीं करती। हुण साडे नाल एक मीटिंग कही हुई है, उन्होंने स्टेट बॉडी साडी उत्थे पहुंची हुई है, अगर ओवरऑल साडी डिमांड्स नहीं पूरियां करदे आ ते प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलन वाला, ये रुकेगा नहीं। ये लगातार जे अंत तक मेहनत आप 2 साल कोरोना च की है, अपने फर्ज नए तन मन दन नाल, अपने हक लैन वास्ते भी आप तन मन दन अड़ चुके हूँ। ये सरकार देखेगी।